हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? यार शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और मैंने गर्म पानी पी लिया है और हलचल हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट काम करके आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। नाखून इतने बढ़ चुके हैं किसी के चुभ जाए तो घायल हो जाएगा वो। उसी का समाधान कर लेते हैं पहले। करते हैं समाधान। पहले नाश्ता कर लेते हैं और फिर जैसे कि आप लोग कमरे की हालत देख ही रहे होंगे कैसी है, तो इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। इस अलमारी को भी सही करना थोड़ा सा। ये थोड़ा सा आगे पता चलेगा। नाश्ता हो गया, चाय हो गई, अब थोड़ा सा कॉफी से काम कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद जब मैं अपनी कप और प्लेट किचन में रखने गया था तो उसके बाद सीधा मैं अपने वर्क स्टेशन पे नहीं आ पाया क्योंकि मुझे आयु मिल गया था। और फिर आयु आयु हैड शोल्डर नीज एंड टोज। आयु पकड़ो 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 शोल्डर नीज एंड टोज नीज एंड टोज। आराम से पकड़ो 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 पकड़ो। कहाँ को आ रहा, कहाँ जाना, कहाँ जाना, यहाँ ही छेड़ना बाप। आयु हेड हेड शोल्डर नीज एंड टोज। आयु हेड जैसे भी मैं अपने आयु से ध्यान हटा के अपने काम करने के लिए अंदर आया तो देखा कि क्या क्या व्यवस्थित करना है मुझे। तो ये सब फैले में आयु का डायपर है यहाँ पे, पता नहीं चार्जर कहाँ से कहाँ जा रहा है। सारे आयु के कपड़े हैं, थोड़े बहुत मेरे हैं और शॉर्ट्स वगैरह सब ऐसी है। आयु के कंबल, ये रजाइयाँ, बॉटल देख रहे हो क्या टेढ़ी पड़ी हुई है, ऊपर की दो बॉटलें भी ऐसी हैं, उधर पता नहीं कुछ सामान है। ये सब सामान साफ़ करना है। और ये हमारा, ये तो ऐसे रहता है। ये सब एक शूज़ है, दूसरा है ही नहीं, कुछ सॉक्स है वहाँ पे। और ये सब ऐसे पड़ा हुआ है, सब देख रहे हो। ये तो नीचे झांक रहा है, गिर जाएगा ये भी यहाँ से कुएं में। अपनी इस अलमारी को भी थोड़ा साफ़ करेंगे। अबे यार इतने सारे कपड़े, ये सब चीज़ें देख रहे हो, ये पता नहीं कितने दिनों से तो मैंने संभाले नहीं थे। अलमारी में ऐसे ठूस देता था, आज जब अलमारी खोली तो पूरा सैलाब ही मेरे मुंह पे आ गया था। तो ये किसी और के सामने आया है, इससे पहले आज मुझे ये साफ करने पड़ेगा। रवे लगाते हैं और सही करते हैं इसको, अलमारी को, फिर दिखाता हूँ आपको अपनी अलमारी। वादा है मेरा, वादा थोड़ी देर में पूरा होगा क्योंकि ऑफिस का काम आ चुका है, तो पहले ऑफिस का काम होगा, ये सब काम तो होता रहेगा। ठीक है, चलो यार मैं ऑफिस का काम कर लेता हूँ थोड़ा सा और फिर ये काम शुरू करते हैं। खाली टाइम पर करेंगे काम, थोड़ा थोड़ा करते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे कि ये साफ सफाई वाला काम है, थोड़ा सा अगर इन चीज में धूल उड़ी तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए पहले मैं मास्क पहनूंगा, उसके बाद जो काम होगा वो होगा। तो पहले मैं अपना काम निपटा लेता हूँ, फिर आप लोगों से आगे मिलता हूँ। इस दौरान आयु भी बाहर घूमने जाता है और घूमने के बहाने वो मुझसे विंडोज से मिलने आता है, तो उससे भी मिल लेते हैं। पकड़ो 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 पकड़ो। कहाँ जा रहा है बेबी? खिड़की से थोड़ी आते हैं बाहर। आजा आजा सुनो, चलो हम तो वॉक की चल रहे हैं। बाय 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 बेबी।
आयु बाय, पकड़ो पकड़ो आयु को, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अभी 11:30 हो रहे हैं और आयु बाहर चला गया था, तो इस टाइम पे आयु बाहर से इस तरफ खिड़की से मुझे मिलने आता है हमेशा, तो आज भी आया था, तो आज मैंने आप लोगों को दिखाया उसे। साथ में अपना खेलता रहता, चिल्लाता रहता है। आयु तो चिल्लाता ही रहता है, पर शायद अब मेरी बारी थी चिल्लाने की। इतने सारे कपड़े जो सेट करने थे, वो भी शायद कई हफ्तों के। ऊपर से ये बिस्तर भी सही करना है, मुझे सबसे बेकार लगता है ये। तीन कंबल, 2.25। मैं नहीं करूंगा। करना पड़ेगा। सारा कुछ वह लग गया, अब इनको अपने स्थान पे लगाते हैं। धूल मिट्टी से बहुत बुरा हाल था यार, मतलब घर के अंदर भी, मतलब वैसे तो है नहीं धूल मिट्टी, लेकिन मुझे ज़्यादा ही, समझ रहे हो। मास्क का काम खत्म हो चुका है, अब बारी है इनको अपनी जगह पे लगाने की। तो पहले मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से, पीछे मेरे शॉर्ट्स रहते हैं, इधर इनर वेयर्स वगैरह, और ये मेरे स्विमिंग ट्रंक हैं जो आज तक कभी काम नहीं आए, तो इनको पहन के कभी कभार मैं नहा लेता हूँ, यूज़ तो करना किसी तरीके से। ये है वो आज की मेहनत टी शर्ट्स की, इसके नीचे मेरे पैंट्स वगैरह और जीन्स वगैरह, और उसके नीचे दवा दारू वगैरह रहती है। समझ रहे हो ना। तो अभी बस इतना ही हुआ यार, अब आगे का भी करते हैं, ठीक है। और हाँ, ट्राईपॉड में से पजामा निकल चुका है, अब ये अपनी सही जगह पे जाएगा। कमाल का आदमी हो यार, मैं कमाल का काम कर लिया, प्यास लग रही है, अब थोड़ा सा पानी वानी पी के आते हैं यार, कुछ अगर काश नींबू पानी मिल जाए यार, कुछ रसना वसना टाइप का। अरे रसना, ओहो क्या है ये, नींबू पानी। थैंक यू यार, मेरा नींबू पानी, अपनी जगह पे आके पियेंगे। गर्मी बहुत हो चुकी है, तो अब यार पहले मैं ये पी लेता हूँ, और फिर मैं खाना बनाएगा, कुछ जुगाड़ देखूंगा अपना। खाना तो आप लोगों को पता ही, मैं क्या खाता हूँ, तो जाऊंगा काटूंगा, या अगर कुछ कटा का टाइम मिल गया तो खा लूँगा। गर्मियों में अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए बीच बीच में पानी, नींबू पानी, शिकंजी वगैरह पीते रहें, ये बहुत ज़रूरी है यार पीना। तो मैं तो अपने आप को हाइड्रेट रखने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ, और नींबू पानी ही पीता हूँ। काश जाते हुए भी प्रियंका मिल जाए राजे, लेकिन ऐसे सौभाग्य बार बार प्राप्त नहीं होते। और ये मेरा दिन का बेकार है यार। आयु, और ये मेरे दिन का खाना, पैरों में धूप भी लगाएंगे, क्योंकि धूप सेकना बहुत ज़रूरी है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, धूप का सेवन बहुत ज़रूरी है। ये पोर्शन बहुत बढ़िया है बैठने के लिए, आधे में छाया है, आधे में धूप है, तो धूप वाले पोर्शन में टांगे करेंगे, और छाया वाले पोर्शन में बाकी हिस्सा। धूप सेकने की ऐसी जगह कहीं नहीं मिलेगी जो आधा छाया और बाकी धूप, ऐसी जगह के लिए बनवाना पड़ता है।
धूप अब मेरे मुंह तक आ चुकी है और मुझे लगता है कि सूरज ने पैरों से मेरे पूरे पानी खींच लिया, तो मैं डिहाइड्रेट हो चुका हूँ, मुझे पानी पीना है। और ये अरे वाह, मेरे चश्मे काले हो गए। तो यूवी किरणों से रक्षा करता है मेरा चश्मा। अब मैं अंदर आ चुका हूँ और अपना लंच करता हूँ मैं। आप लोग भी अपना थोड़ा बहुत काम करिए। इस व्लॉग को करते हैं यहीं के यहीं एंड। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा क्योंकि बोलने का फ़ायदा है नहीं। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक ज़रूर कर देना, लाइक करो ना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।